प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे आवर टॉपिक सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड इट्स इम्पैक्ट, दूसरा विश्व युद्ध और इसके परिणाम। दूसरा विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से लेकर 14 अगस्त 1945 जब जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। पोलैंड के ऊपर जर्मनी के आक्रमण से प्रारंभ होकर जापान के आत्मसमर्पण के साथ लगभग 6 साल चला ये दूसरा विश्व युद्ध, ये समाप्त हुआ। दूसरा विश्व युद्ध अपने आप में एक बड़ा विश्वव्यापी युद्ध था। यह पहला युद्ध था जिसके अंदर इतनी बड़ी तादाद में जो है लगभग 6 करोड़ व्यक्ति इस युद्ध में मारे गए थे। लगभग 1 करोड़ व्यक्तियों को इन फासीवादी शक्तियों ने नाजी मूवमेंट के तहत, हिटलर ने तानाशाही के तहत इन इन यहूदियों को और जो है विदेशी जिनके ऊपर अधिकार कर लिया जाता था उनको यातनाएं देने के लिए उन्हें गैस चैम्बरों में भरकर इन्हें जो है मारा जाता था। 1 करोड़ के आसपास ऐसा कहते हैं। इस युद्ध में फर्स्ट वर्ल्ड वार से भी भयंकर परिणाम देखने को मिले। इस युद्ध में परमाणु बम्बों का प्रयोग किया गया। इस युद्ध में विश्व जो है कभी ना भूलने वाला ऐसा परिणाम जो है देखा। आज जब से 1945 में हिरोशिमा नागासाकी और बम गिराए गए उसके बाद हमेशा विश्व के अंदर एक बात का प्रचार प्रसार होता। आज भी चाहे उत्तर कोरिया कभी धमकी देता है कि मैं परमाणु बम का प्रयोग करूंगा, कभी जो पाकिस्तान धमकी देता है कि मैं परमाणु बम्बों का प्रयोग कर दूंगा, कभी जो है रूस के अंदर और अमेरिका के अंदर तनातनी होती है, कभी चाइना और भारत के अंदर तनातनी होती है, तो ये सभी जो है हमें दूसरे विश्व युद्ध की याद दिलाती है और कहते हैं कि तीसरे विश्व युद्ध की आहट है। अब क्या परिणाम रहे? सबसे पहले जो परिणाम रहा वो भयंकर विनाश का हुआ। भयंकर विनाश। बेटा मेरी आवाज आ रही क्या? अरे मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक है। सबसे पहले तो भयंकर विनाश हुआ। कहते लगभग जो है 5 से 6 करोड़ व्यक्ति इस विश्व युद्ध में काल के ग्रास, यानी मानव जाति का इतना भयंकर विनाश हुआ। मानव जाति का इतना भयंकर विनाश हुआ और इसमें इससे कहीं ज्यादा लोग घायल हुए। इस युद्ध का परिणाम यह रहा कि जो पहली बार परमाणु बमों का प्रयोग हुआ, आज भी जापान के हिरोशिमा और नागासाकी दोनों जो क्षेत्र हैं, दोनों केंद्रों के ऊपर आज भी बच्चे अपंग पैदा होते हैं। क्यों? क्योंकि जो है परमाणु बम के अंदर के जो परिणाम जो निकले वो बड़े भयंकर थे। इन युद्धों में मशीन गन, टैंक, हवाई जहाज, पनडुब्बी, तोपखाना और परमाणु बमों का प्रयोग हुआ। इस युद्ध के बाद एक नई बात भी उभर कर सामने आई कि पहली बार वायु सेना का महत्व जल और थल, थल सेना और जल सेना, उसकी तुलना में इसका महत्व बढ़ गया। दूसरे विश्व युद्ध में बड़े पैमाने पर जब इंग्लैंड के साथ, इंग्लैंड के ऊपर जर्मनी ने अटैक किया था तो 3000 के आसपास जो है बम वर्षक
जहाज थे उनको गिराया गया था। तो इस युद्ध का परिणाम बड़ा भयंकर रहा। अब नई नई टेक्नोलॉजी, आज अगर उस टाइम से आप आज की तुलना करें तो नई नई टेक्नोलॉजी, और चाहे भारत में अभी राफेल जो हमने खरीदा है फ्रांस से, चाहे आप उसकी बात कर लें, चाहे F-16 जो है खरीदा है पाकिस्तान ने अमेरिका से, चाहे उसकी बात कर लें, चाहे नई नई टेक्नोलॉजी, कभी ड्रोन की बात आती, कभी कौन सी बात आती, ये सभी टेक्नोलॉजी जो है दूसरे विश्व युद्ध के बाद इस टेक्नोलॉजी ने अत्याधुनिक हथियार बनाने में मानव जाति का संहार करने के लिए इन हथियारों का प्रयोग और इन हथियारों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की दिशा में एक प्रयास हो रहा है। ये दूसरे विश्व युद्ध का ही परिणाम है। फासीवादी बर्बरता बड़ा इंपॉर्टेंट है। फासीवादी बर्बरता दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इटली और दूसरी तरफ जर्मनी, जर्मनी की नाजी शक्तियां, जर्मनी की नाजी शक्तियां के अनुमान के अनुसार कहते हैं कि लगभग 1 करोड़ व्यक्ति जो है नाजियों की भेंट चढ़ गए। किस बात में? गैस चैम्बरों में। पहले उनको गोली मारी जाती थी, फिर महसूस हुआ कि भाई गोली मारना बड़ा महंगा है, एक एक को मारी जाती है, फिर सामूहिक रूप से एक चैम्बर बनाया, जिस प्रकार हम फिल्मों में देखते हैं कई बार चैम्बर, गैस चैम्बर बनाया, रूम को बंद कर दिया। आपको कई बार ये भी खबर आती है अखबारों के अंदर कि जो है भट्टी, सर्दियों के मौसम में भट्टी थी और उसमें जो है धुआं निकलने का मार्ग नहीं था और जो है क्या हुआ, दम घुटने से परिवार जो वही मर गया। यहां भी ऐसा क्या, कहते बड़े बड़े चैम्बर हाउस बनाए गए 15,000। कहते 17 मार्च 1942 ईस्वी को पोलैंड में बेल्टसेक शिविर में प्रत्येक दिन 15,000 यहूदियों को गैस चैम्बर में झोंक दिया जाता और नीचे से गैस छोड़कर उनको जो है काल का ग्रास बना दिया जाता था। इसी प्रकार से कहते हैं कि जो है पोलैंड में ऑस्विट्ज शिविर था, इसमें कहते 40,00,000 लोगों को मारने की एक काउंटिंग आती है उनके, जो इस समय आंकड़े मिलते हैं। तो नाजियों की एक जो भयंकर बर्बरता हमें देखने को मिली कि 40,00,000 लोग तो एक ही शिविर में मार दिए गए। और ये शिविर कहाँ कहाँ स्थापित किए गए, ये जर्मनी में स्थापित किए यहूदियों का विनाश करने के लिए, क्योंकि हिटलर ने कहा था कि यहूदी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए, जर्मनी की पराजय के लिए जिम्मेदार है, बहुत बड़ा कारण है। अगर जर्मनी पराजित हुआ तो जर्मनी पराजित कभी नहीं होता। अगर यहूदी देश के साथ गद्दारी नहीं करते, हिटलर ने साफ कहा था। और बड़े इत्तेफाक की बात, देखो जर्मनी जर्मनी की बात करता है कि जर्मनी, अब जर्मनी का स्वयं हिटलर नागरिक नहीं है, हिटलर स्वयं जर्मनी का नागरिक नहीं है, एक जर्मनी का नागरिक नहीं है, और वो व्यक्ति क्या बात करता है, वो जो है एक राष्ट्र, जर्मन राष्ट्र की बात करता है, जर्मन जाति की बात करता है। तो बड़ी विडंबना है कि देखी जाए तो नाजीवादी और फासीवादी शक्तियों के द्वारा बड़े पैमाने पर किसका विनाश किया गया, मानवता का विनाश। इसमें हम ये नहीं कह सकते यहूदियों का विनाश किया, बड़े पैमाने पर मानवता का विनाश किया गया। बेटा इन शिविरों के अंदर एक काम और होता था, जहां जहां जर्मनी ने अपने उपनिवेश स्थापित किए, उपनिवेशों की बात यह आ गई कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्रारंभ हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जहां जहां उन्होंने अपना कब्जा किया, उसको उपनिवेश मान लिया, कब्जा मान लिया, वहां से लोगों को बड़ी संख्या में पकड़कर लाया गया। उन लोगों को जब पकड़कर लाया गया तो अब जर्मनी के कारखानों में उनसे काम करवाया गया, चाहे वो भूखे रहे चाहे कैसे भी रहे, उनको जो है अधिक से अधिक काम लिया गया। और इसके साथ उनके साथ क्या किया, उनके साथ अमानवीय बर्ताव किया गया। परिणाम जो है इसका ये भयंकर रहा। और ये फासीवादी बर्बरता ही थी फर्स्ट दूसरे विश्व युद्ध के बाद, खासकर वायु सेना का महत्व बढ़ गया। इससे पहले नौसेना और थल सेना का बड़ा महत्व था, अब विश्व इतिहास में अलग सिस्टम क्रिएट हुआ कि जो है फासीवादी शक्तियां हो चाहे मित्र राष्ट्र हो, इन दोनों ही शक्तियों के द्वारा बड़ी संख्या में
वायु सेना के ऊपर ये डिपेंड हो गए, क्योंकि वायु सेना नीचे से जाना नहीं, देखो पानी सेना है, अगर नौसेना की बात करें तो समुद्र में ही चलेगी, कहीं जो बड़ी नदियां हैं उनमें चल पड़ेगी, छोटे मोटे जहाज ठीक है। और अगर हम थल सेना की बात करें, थल सेना के सामने अनेक रुकावटें हैं, टैंक ले जाना है, जंगलों में से कैसे साफ करना पड़ेगा, या जो है नदी क्रॉस करनी है तो पुल बनाना पड़ेगा, तो एक बाधाएं थी। और हवाई जहाज जो है ऊपर से, हवाई जहाज बेटोक उड़ता था, कोई उसको पानी की आवश्यकता नहीं, कोई जंगलों को क्रॉस करने की आवश्यकता नहीं, हवाई जहाज बेटोक। तो हवाई जहाज का महत्व तो जो है, वायु सेना का महत्व तो इस दौरान बहुत ज्यादा बढ़ गया। एक परिणाम और बड़ा भयंकर है, यहाँ जो जितने भी अब तक के युद्ध हुए थे, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, चाहे जो है जर्मन का एकीकरण की बात हो, चाहे रूस के क्रांति की बात हो, चाहे हम जो है इटली के एकीकरण की बात करें, चाहे इनकी आपस की प्रतिस्पर्धा रहे, जो प्रतिद्वंदता थी, सभी में एक सामूहिक कारण था, राष्ट्रीयता की भावना। अब राष्ट्रीयता की भावना थोड़ी गौण पड़ी, अब जो है राष्ट्रीयता का, राष्ट्रीयता कि मेरा राष्ट्र जो महान राष्ट्र है, वह विचारधारा थोड़ी चेंज हुई। कैसे चेंज हुई, अब मैं समझाता हूं। अब बेटा दो विचारधाराएं नहीं आई, एक आ गई साम्यवाद और दूसरी आ गई पूंजीवाद। रूस का प्रभाव जो है दिनों दिन बढ़ता जा रहा था, 1917 की रूसी क्रांति के बाद रूस का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। 1939 तक रूस एक विश्व शक्ति बन चुका था, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद रूस एक जबरदस्त पावर के रूप में उभरा। जब रूस एक पावर के रूप में उभरा और साम्यवादी देश है, जहां मजदूर किसान की बात थी, उनके अधिकारों की ज्यादा बात थी, और दूसरे जो है पूंजीपति लोग जो डरे हुए थे, उद्योगपति लोग डरे हुए थे, ये सारे लोग डरे हुए, तो क्या होगा। अब जो दो विचारधाराओं ने जन्म लिया, एक पूंजीवादी विचारधारा और जो है एक जो है साम्यवादी विचारधारा। तो जो राष्ट्रवाद की जो बात थी कि माई राष्ट्र, ग्रेट ग्रेट तो है, लेकिन उसका प्रभाव इतना जबरदस्त नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। तो अब राष्ट्र की बजाय अब जो है विचारधारा के ऊपर, एक विचारधारा का प्रचार प्रसार जो बढ़ने लग गया, एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था के नाम से इन लोगों ने जो है कि ये कहा था कि हम जो है प्रजातंत्र की रक्षा के लिए युद्ध कर रहे हैं, चाहे इसमें इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो, सारे के सारे मित्र राष्ट्र एक बात कह रहे कि हम जो है फासीवादी शक्तियों के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं। इसका रिजल्ट क्या रहा, इसका ये हुआ युद्ध तो जीत गई है, लेकिन जो है अब जो है अनेक साधन अपनाएगी, प्रजातंत्र को ढंगोसला तंत्र बनाकर रख दिया। ढंगोसला कुछ लोगों का ही उसके ऊपर आधिपत्य हो गया, कुछ लोगों का ही आधिपत्य हो गया। अब आम जो आदमी था ना, जिसकी बात होती थी पहले कि हम हर आदमी, प्रजातंत्र का मतलब होता है, लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, वो विचारधारा थी, लेकिन अब नाम के लिए विचारधारा रहेगी। वास्तव में एक खोखलापन महसूस हुआ यहाँ। अगला जो जबरदस्त कारण है वो परिणाम रहा, एक शीत युद्ध का प्रारंभ होता है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध का प्रारंभ होता है। शीत होता है ठंडा, वैसे ठंडा युद्ध, और युद्ध कभी ठंडा नहीं होता, युद्ध कभी ठंडा नहीं होता, लेकिन यहां शीत युद्ध से अभिप्राय क्या था। शीत युद्ध से अभिप्राय था दो गुट बने, पहले ये समझने की बात है बेटा। एक तो साम्यवादी गुट, जिसका नेतृत्व तो कौन कर रहा था, इस साम्यवादी गुट का नेतृत्व तो जो है सोवियत संघ, रूस कर रहा था। दूसरी तरफ पूंजीवादी देश, जिसका नेतृत्व तो अमेरिका कर रहा था, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, ये सारे के सारे देश एक साइड थे, साम्यवादी एक साइड और जो है पूंजीवादी देश एक साइड। इनके अंदर, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व के अंदर दो शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है, सॉरी उदय होता है, अमेरिका और रूस, सोवियत संघ बोलते हैं उस टाइम। इनके अंदर आपस में जो है एक विचारधारा ने जन्म लिया,
अब एक विचारधारा चल पड़ी, और विचारधारा ये चल पड़ी कि साम्यवाद का किस प्रकार से प्रचार प्रसार किया जाए। दूसरी तरफ विचारधारा थी कि किस प्रकार से साम्यवाद को रोका जाए। अब एक बात और है, सेकंड वर्ल्ड वॉर के कारणों में से भी एक था कि साम्यवाद के बढ़ते हुए प्रचार के प्रभाव के कारण जो है इंग्लैंड ने तुष्टिकरण की नीति अपनाई थी। इंग्लैंड क्या करेगा, इंग्लैंड ने तुष्टिकरण नीति, जर्मनी जो किसका विनाश कर देगा, जर्मनी जो रूस का विनाश कर देगा, साम्यवाद के प्रभाव को रोक देगा, क्योंकि ऐसा इन लोगों के द्वारा जर्मनी के अंदर किया भी था, इनका नारा भी था साम्यवाद को साइड बाय करो। अब भी वो विचारधारा है। तो पूंजीपति जो देश थे, पूंजीवादी देश थे, जो लोकतंत्र की बात करते थे, लोकतंत्र दिखावा का लोकतंत्र था, हकीकत में जो कुछ लोगों के द्वारा, पूंजीपतियों के द्वारा जो है उसके ऊपर कब्जा कर लिया गया था, आज भी कर ऐसा हर देश में। तो पूंजीपति जो सिस्टम था, पूंजीपति एक साइड और जो है दूसरी साइड हो गया साम्यवादी देश, इनके अंदर युद्ध नहीं हुआ, युद्ध नहीं हुआ, अपितु युद्ध की संभावनाएं बनी रही। शीत युद्ध के बारे में कहते हैं कि युद्ध नहीं हुआ, युद्ध की संभावनाएं बनी रही, और इस युद्ध की संभावनाओं के रिजल्ट क्या निकला कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ गुट बांधता चला गया, जैसे इसमें नाटो वाले हो, सीटो वाले हो, सारे के सारे संगठन जो है, सारे के सारे संगठन साम्यवादी देशों के द्वारा, दूसरे अमेरिका के द्वारा ये देश जो है संगठन बढ़ाते चले गए, और आज कहाँ खड़े कर दिए, आज भी विश्व जो तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे खड़ा, कभी भी हो सकता है। लेकिन वो याद आती है कौन सी, हिरोशिमा नागासाकी, इसीलिए जो है दूसरा तीसरा विश्व युद्ध अभी तक बचा हुआ है, क्योंकि इसका रिजल्ट तो क्या रहा, रिजल्ट ये रहा कि ज्यादा से ज्यादा इन लोगों के द्वारा ज्यादा से ज्यादा हथियार बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा हथियार बनाने की एक प्रतिस्पर्धा इन लोगों के अंदर बड़े पैमाने पर चली। चाहे यूनान में गृह युद्ध का मतलब हो, चाहे उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया का विवाद हो, चाहे वियतनाम युद्ध का बात हो, और चाहे अफगानिस्तान के अंदर जो है रूस, सोवियत संघ और जो है अमेरिका को, इनका आपस में उलझने की बात हो, सभी ये शीत युद्ध के परिणाम थे। कहते पूर्वी देश, पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ की जर्मनी के विरुद्ध विजय ने ब्रिटेन परेशान उठा था। बाद में पूर्वी देशों पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया, रोमानिया, हंगरी, युगोस्लोवाकिया, अल्बानिया, इन सभी के अंदर क्या सरकार होगी, इन सभी के अंदर जो है साम्यवादी सरकार की स्थापना होगी। अमेरिका ने कहा कि मेरा डंडा चलेगा, अमेरिका ने कहा कि मेरा डंडा चलेगा, और जब डंडा चलेगा तो क्या कि वो हर मामले में हस्तक्षेप करेगा, और एक नीति अपनाएगी कि किसी प्रकार से सोवियत संघ को किनारे पे लाना है। किनारे का मतलब था युद्ध के किनारे पे लाना है, युद्ध के लिए उसे एक साइड लेके आना, ताकि समूल विनाश किया जा सके, क्योंकि नो डाउट उस समय जो है सोवियत संघ अकेला ही शक्तिशाली देश था, और दूसरे ग्रुप में जो है अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड बहुत ताकतवर देश थे वास्तव में, और रूस अकेला ताकतवर देश था उस टाइम। लेकिन जो है भय पूरा था, तो बेटा युद्ध नहीं हुआ और युद्ध की संभावनाएं बढ़ी रही, इसको शीत युद्ध कहते हैं। इसका विनाश कब हुआ, जो ही जो है सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 में, तो ये शीत युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं आप देखते हो अखबारों के माध्यम से, न्यूज चैनलों के माध्यम से, कि अमरीका और रूस का जो आपस में विवाद चला रहता है, अमेरिका और रूस का किसी बात पे वीटो पावर की बात आती है, पांच जो है शक्तियां हैं जिन्हें स्थायी सदस्यता है, जिनको वीटो पावर है, हमेशा विवाद चला रहता दोनों शक्तियों के मध्य। एक आया आंदोलन गुट निरपेक्ष आंदोलन, ये भी दूसरे विश्व युद्ध की देन थी। गुट निरपेक्ष से पहले हम दूसरे करेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, भारी विनाश देखा, भारी विनाश का हमें सामना करना पड़ा, तो कहीं ना कहीं जो शक्तिशाली राष्ट्र थे, उनके राष्ट्राध्यक्ष जो थे, उनके मध्य जो है जब समय समय पर वार्ता हुई, समय समय पर मिलना हुआ, तो उन दोस्तों ने क्या महसूस किया, इन दोस्तों ने महसूस किया कि एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन होना चाहिए जिसके कारण जो है जिस प्रकार सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ है, लगभग 6 करोड़ व्यक्ति मारे गए, ऐसी
भयंकर स्थिति दोबारा ना आए, ताकि मिलजुल कर इसका समाधान निकाला जा सके, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे पहला प्रभाव एटलांटिक चार्टर अगस्त 1941 में, पहली बार जो है वहां एक बात हुई कि भाई जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया जाए। एक संयुक्त राष्ट्र संघ का तो नहीं था, ये था कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया जाए, कोई संस्था बनाई जाए। और जो है फिर मास्को बैठक अक्टूबर 1943, चार राष्ट्रों ने घोषणा की कि जल्दी से जल्दी कोई सामान्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया जाए। इसी दौरान जो है अगस्त से सितंबर 1944 टेबर्टन ऑक्स सम्मेलन, और जो 26 जून 1945 सान फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्रों का सम्मेलन हुआ और यूएनओ का जो है गठन की बात कर दी। 26 जून को 50 राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और 24 अक्टूबर 1945 को प्रभावशाली बन गया। इसकी घोषणा पत्र से संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ। अब एक सिंपल बात है, था क्या होता, ये था संयुक्त राष्ट्र संघ के परस्पर जो है जो भी राष्ट्र हैं उनके अंदर अगर किसी प्रकार का विवाद होता है तो उसको बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाए। जो ये दो विश्व युद्ध देखे हैं, इन विश्व युद्धों को ध्यान में रखकर, पीछे जो युद्ध हुए हैं उनको ध्यान में रखकर, ऐसा इन फ्यूचर ना हो, आगे ना हो, तो क्या किया जाए, एक राष्ट्र, पहले राष्ट्र संघ बना, एक संयुक्त राष्ट्र संघ बना दिया गया मानव जाति के कल्याण के लिए और सभी राष्ट्रों का एक मिला जुला एक सम्मेलन हो कि आपस में बैठ कर हम बात कर सकें और जिससे जो है भविष्य में किसी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। दूसरे विश्व युद्ध का परिणाम था कि यूरोप का आधिपत्य का अंत हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड एक प्रमुख शक्ति हुआ करता, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो इंग्लैंड विश्व की नंबर वन नौसेना और जबरदस्त एक जो है व्यापारिक एक शक्ति के रूप में उभरा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त होते होते अमेरिका विश्व की नंबर वन शक्ति बन गया। अमेरिका विश्व की नंबर वन शक्ति बनने से इंग्लैंड का जो रुतबा था जाता रहा, क्योंकि इंग्लैंड जर्मनी के हाथों पराजित 101% होता अगर डायरेक्ट रूप से अमेरिका हस्तक्षेप ना करता। इसी प्रकार जो है विश्व में दो गुट बन गए, अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका और प्रशांत महासागरीय देश संयुक्त राज्य अमेरिका के गुट में हो गए। पूर्वी यूरोप के देश जो यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया जो देश थे, चीन, बाद में चीन भी आ गया, उत्तर कोरिया भी आ गया, सोवियत संघ के गुट में शामिल हो गए, साम्यवादी गुट बन गया। विश्व में दो महाशक्तियों का उदय हुआ, सोवियत संघ और अमेरिका। अब जो यूरोप का जो आधिपत्य था वो जाता रहा, इनके स्थान पर जो है अमेरिका तो यूरोप में नहीं, अमेरिका तो एक अलग अलग महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका जो उसको संयुक्त राज्य अमेरिका कह देते हैं। रूस, रूस का साम्राज्य एशिया तक फैला हुआ था। तो हम ये कह सकते कि इंग्लैंड, अब फ्रांस को भी गले ले लो, इंग्लैंड फ्रांस का आधिपत्य का अंत होके उनके स्थान पर दो नए राष्ट्रों का आधिपत्य हुआ, जिसे हम अमेरिका और सोवियत संघ कहते हैं। लोकतंत्र या स्वतंत्रता आंदोलन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोपियन शक्तियां इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड, ये इतनी पावर में नहीं रही, इनकी शक्ति, इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होगी बहुत ज्यादा। और इसके बाद जो है इन राष्ट्रों में जो उपनिवेश थे, इन राष्ट्रों में क्या हुआ, इन राष्ट्रों के अंदर नई विचारधारा ने जन्म लिया, स्वतंत्रता आंदोलन। और अमेरिका ने भी इस बात का समर्थन किया था, अमेरिका ने भी इस बात का समर्थन किया था, और संयुक्त राष्ट्र संघ जो बना उसमें भी इस बात का समर्थन था। अनेक नए देश स्वतंत्र हुए, इसमें भारत भी है, आधुनिक पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी, जो आसपास के सारे देश जो ईरान, इराक, सब कुछ है, ये सारे तो स्वतंत्र हो गए। अफ्रीका महाद्वीप के देश स्वतंत्र हो गए, जितने उपनिवेश थे सभी उपनिवेश जो है स्वतंत्र हो गए। अब एक नई विचारधारा ने जन्म लिया, विश्व जो है दो गुटों में विभाजित हो गया।
एक था सोवियत संघ के अंदर, दूसरा अमेरिका, साम्यवादी और दूसरा पूंजीवादी। इसके साथ एक नई विचारधारा जन्म लेती है और उस विचारधारा का नाम था गुट निरपेक्ष आंदोलन और गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का एक समूह जो इन दोनों ही गुटों से अलग राष्ट्र हो। इसका नेतृत्व तो भारत ने किया और जो है कहते हैं कि भारत की विदेश नीति का पार्ट रहा और इसमें अफ्रीका के अनेक देश, एशिया के अनेक देश कौन से जो पहले उपनिवेश थे, और देखते देखते जो है 102 देश गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य बन गए। जर्मनी का विभाजन, जर्मनी का विभाजन दूसरे विभाजन एक विचारधारा जन्म दिया और विचार नाम था कि भाई जो है जर्मनी भविष्य में किसी भी प्रकार से क्योंकि दो विश्व युद्ध से सीख ले चुका था यूरोप, जर्मनी भविष्य में कभी भी विश्व के लिए दिक्कत ना क्रिएट करे। आता जो जर्मनी को चार भागों बांटेगा, प्रारंभ में चार भागों बांटेगा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, इनमें चार भाग बना लिए। अमेरिका, ब्रिटेन और रूस इन्होंने अपने भाग को एक कर लिया और पूर्वी जो जर्मनी था वो नाम दे दिया गया। पश्चिमी जर्मनी जो किसके अंडर था, वो पश्चिमी जर्मनी था रूस के अंडर। इनके अंदर पहले तो ये हुआ था कि भाई इनके ऊपर कंट्रोल रखना, चारों को मिलकर लिखना, लेकिन धीरे धीरे साम्यवाद और पूंजीवाद की विचारधारा में फर्क आता चला गया और ये जो शीत युद्ध का अखाड़ा बन गया। इसमें कि भाई सामाजिक राजनीतिक सुधार किस प्रकार से किए जाए, आर्थिक सुधार किस प्रकार से जर्मनी में, और ये देखना था कि भविष्य में जर्मनी कभी भी विश्व शांति के लिए खतरा ना हो। तो चेंजिंग हुई यहाँ और जो है दो विचारधारा ने जन्म लिया और दो पार्ट बन गए। और दो पार्ट कौन से बन गए, जो है पश्चिमी राष्ट्रों के अधीन यानी जो अमरीका ग्रुप था उसके अधीन जो था जर्मनी जो था उसको फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी कहा गया। दूसरी तरफ रूस के सोवियत संघ जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का नाम दिया गया। और भाई विभिन्न सैन्य संगठनों का निर्माण, इसमें नाटो, सीटो, वार्सा और 1954 में आप अभी देखते हैं, पीछे आपने एक बात देखी थी कि जो है अमेरिका ने हर एक देश के अंदर, चाहे उसमें इराक हो, चाहे सीरिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, इन देशों के अंदर अपने सैनिक अड्डे बना रखे। अभी बात आई थी नहीं एक नई कि भाई जो अपने ये क्या नाम इसका श्रीलंका के अंदर चीन ने अपने सैनिक अड्डे बना लिए। एक जो है क्यूबा, अमेरिका महाद्वीप का देश है, अमेरिका के बिल्कुल नज़दीक है, क्यूबा के अंदर अपने सैनिक अड्डे जो रूस ने बना लिए। तो इस विचारधारा के तहत जो है एक नई विचारधारा आई और जो है ये विश्व जो है जिस प्रकार से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले त्रिगुट और मित्र गुट में बटा हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय धुरी राष्ट्र जर्मनी, इटली, जापान इनके अंदर और दूसरी तरफ इंग्लैंड और फ्रांस और बाद में रूस और अमेरिका शामिल हो गई थी, उसी प्रकार से आज भी अगर विश्व की बात की जाए तो विश्व जो है विरोधी खेमे में आज भी बटा हुआ है। और जब भी कोई बात आती है तो एक ही बात आती है, साम्यवादी देश और दूसरी तरफ जो है पूंजीवादी देश। ये टॉपिक बेटा लगभग हमारा टॉपिक जो है समाप्त हो चुका है और जो है विश्व एक ही बात की कल्पना करता है और वो बात ये है कि भविष्य में दूसरे विश्व युद्ध की तरह कोई और युद्ध ना हो जाए। अगर और युद्ध हुआ तो क्या होगा, विनाश हो जाएगा। अब इस संदर्भ में मैं आपको थोड़ा प्रकाश जो भारत के संदर्भ में भी डाल देता हूं क्योंकि हम जो है भारत का टॉपिक भी जरूरी है हमारा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडिया का क्या रोल है मैं ये भी बता देता हूं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब प्रारंभ हुआ तो भारत के में कांग्रेस का मंत्रिमंडल जो था, केंद्रीय सरकार बन चुकी थी, प्रांतीय सरकार थी, वायसराय ने बगैर भारतीयों से संपर्क किए भारत को भी इंग्लैंड की तरफ से युद्ध में शामिल कर दिया।
भारत में कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया। अब एक नई विचारधारा भारत में क्रिएट हुई। घूम घूम कर प्रचार किया गया कि जो है भारत से कोई भी नागरिक सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ना जाए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपको ध्यान होगा कि कांग्रेस के द्वारा महात्मा गांधी और पूरा ग्रुप, पूरी कांग्रेस प्रचार कर रही है इस बात का कि भाई जो है ना भर्ती करवाओ अपने बेटों को, अपने बेटों को भर्ती कराओ। चौधरी छोटूराम ने भी कहा था कि जो अपना एक बैल से जो है अपने हल जोत लो, एक बेटा आर्मी में जरूर भेजो देश में लड़ने के लिए। हाँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इसी प्रकार से महात्मा गांधी, इसे भर्ती करने वाला एजेंट भी कहा गया था। अन्न से मन से धन से भारतीयों ने सहायता की थी। अब भारतीयों ने सहायता करने से इनकार कर दिया, खासकर कांग्रेस ने। उसके बावजूद भी भारत से लगभग 11 लाख युवा सेना में भर्ती हुए। सिंगापुर विद्रोह की बात आती है, सिंगापुर की दो बातें आती हैं, मैं ये बता देता हूं आपको बेटा 11 लाख के आसपास। अब मैं आता हूं अपने क्षेत्र की बात, हरियाणा। हरियाणा उस समय का पंजाब और हरियाणा पूरे के पूरे भारतवर्ष में, पाकिस्तान का भी पंजाब बीच में इंक्लूड कर लो, ये पूरे देश में सबसे ज्यादा सैनिक, लगभग कहते हैं कि 50-60% सैनिक इसी क्षेत्र के रहे, इसी क्षेत्र के सैनिकों ने भाग लिया था। अब बात आती है कि पूरे भारतवर्ष में जितने जिले थे उस टाइम, उन जिलों में नंबर वन पे रावलपिंडी रहा था पाकिस्तान में, नंबर टू पे सैनिक भेजने के मामले में रोहतक। वो रोहतक पहले सोनीपत, झज्जर और रोहतक होता था, ये तीनों चीजों को मिला के जो रोहतक बनता था, तो तीनों यहां से जो है नंबर टू पे, अगर आधुनिक पाकिस्तान आधुनिक भारत की बात की जाए और, तो ये तीनों जिले एक थे जब, तो भारत में और पाकिस्तान में रावलपिंडी और भारत के अंदर रोहतक सबसे ज्यादा सैनिक भेजने के मामले में अग्रणी था। इसी का प्रतिफल था कि सिंगापुर विद्रोह, जापान के द्वारा सिंगापुर 1942 में जब सिंगापुर को जीता गया तो लगभग 50,000 सैनिकों को बंदी बनाया गया। ये ही सैनिक थे जहां आजाद हिंद फौज का गठन किया गया और जो है उसके बाद रास बिहारी बोस, कैप्टन मोहन सिंह का जिक्र आता है, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस को बुलाया गया जर्मनी से और उन्हें सेना की कमान दी गई। आजाद हिंद फौज जिन्हें हम भारत के स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं। सिंगापुर विद्रोह मैंने दो कही है, एक 1915 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान सिंगापुर विद्रोह हुआ था जिसमें लगभग क्या 205 का तो कोर्ट मार्शल हुआ था, उसमें एक का आंकड़ा नहीं मिलता आज भी, 205 व्यक्तियों का कोर्ट मार्शल हुआ था। उनमें से 44 व्यक्तियों को मृत्युदंड दिया गया था और 41 को उसी टाइम गोली मार दी गई थी, 3 को फांसी पर लटकाया गया था, 3 को फांसी पर लटकाया गया था। वो उनमें से 42 व्यक्ति हरियाणा क्षेत्र के थे, हरियाणा क्षेत्र के। हरियाणा की बात करें तो रोहतक और हिसार इसमें सबसे अग्रणी रही थी उसमें भी, और आधुनिक इस टाइम का भिवानी का भी रोल आता था, ये क्षेत्र के लोग उसमें मोस्टली थे। तो बेटा सेकंड वर्ल्ड वॉर में बड़े पैमाने पर भारत भाग लिया और कुल मिला के कहा जाए कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के परिणाम बड़े भयंकर हुए। इससे मानव जाति का जो है विनाश हुआ और भविष्य में किस प्रकार की दिक्कत ना आए इसके लिए प्रयत्न किए गए। ये हमारा टॉपिक जो है आज समाप्त हुआ और